वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूं। एंड गाइस आज के वीडियो का टाइटल है नीचे देख के तो आपको पता ही लग गया होगा, मतलब थंबनेल देख के। सो आज के वीडियो का टाइटल है परी की पसंद का कलर। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करना ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। देन लेट्स स्टार्ट। और हाँ, लाइक तो जरूर से करना, लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो तो देन लेट्स स्टार्ट। ओके, अब अंकल जी तुसी छेती करोगे क्योंकि ना मेरी मतलब वो मेरी दोस्त ने कलर चूज करना था। जी एक मिनट, उन्हें तो आ जाने दीजिए। चलो बेटा। अब पर बुआ जी आप इधर क्यों लाई मुझे? देख परी, तू इनमें से कोई एक कलर चॉइस कर ले, आज हमारे घर का कलर ही होना है। तो मैंने सोचा कि नई बहू का जो मनपसंद कलर होगा वही करवा लेते हैं। ठीक है, तो तू देख ले, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, जो तेरे को अच्छा लगता है तू वही करवा ले। पर बुआ जी, क्या पर बुआ जी लगा के रखा है, हैं? ना तू चुप कर ले, मैं बोल जाती हूँ। जी अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? मामा आगी तेरी भाभी कहाँ पे है? जी बुआ जी ये लीजिए, आपके चश्मे तैयार हैं। हाँ दे, सही तो लिख रहा है। हाँ बस बहुत है, जल्दी कर, काम पे भी जाना है। हाँ मुझे काम पे जाना है क्योंकि वीर जी अभी खेत पे, मैं उन्हें खेत पे छोड़ के आई हूँ, मुझे पार्ट टाइम जॉब करने जाना है। आपको पता है मेरी दुकान कितने बजे खुल जाती है, आज लेट हो जाएगा मुझे, और वहाँ पे वो भी कुकी भी इंतज़ार कर रहा होगा। छेती कर। जी आप ये कलर कर दीजिए। ठीक है, बोल दिया ना? हाँ ठीक है ठीक है, मैं निकलता हूँ, मुझे पहुँचना भी है, और आप लोग अंदर जाइए, ये काम करके आपको बुला लेंगे। ठीक है पुत्र। अरे भाई बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी से कोई खाना वाना का इंतज़ाम कर लो। जी बुआ जी मैं अभी कर रही हूँ, मैंने झाड़ू लगा दिया है। क्या खाएंगे आप? अरे कुछ भी कर, जल्दी बना, सोम के लिए टिफिन भी छोड़ने जाना। नहीं नहीं एक मिनट, वो तो वहाँ पे खुद खाना बना लेगा, पर उसके भी वो वीर जी के लिए तो छोड़ने जाना पड़ेगा ना, तो जल्दी कर शेती कर। जी बस अभी बन जाएगा। हाँ शेती कर शेती कर। ये लीजिए आपका खाना बन गया। हाँ ठीक है हम खा लेते हैं। उसके बाद ना तू एक काम करी, एक और ब्रेड सारे को दे दे, ब्रेड ना उसमें थोड़ा वो क्या कहते हैं उन्हें सॉसेस लगा के दे दे, और वो फिर हम खा लेते हैं, फिर तुम्हें दोपहर तक भूख नहीं लगेगी, और तू भी कुछ खा लियो। जी आप पहले आप तो खा लीजिए। भाभी मैं एक बात ज़रूर बता सकती हूँ, आप खाना बहुत अच्छे बनाती हो। अरे चुप कर जा, कब से भाभी की तारीफ करी जा रही है? तो एक काम कर, अच्छा भाभी ना तू बोल ले, मैं चुप कर जाती हूँ हैं? अब बोलो मम्मा। हाँ तो तू ये खाना हो जाने के बाद बर्तन साफ कर लियो, और जाके हमारा कमरा साफ कर दियो अच्छे से, ठीक है? गंद मचा के रखा इसने। मम्मा मैं तो, ए चुप कर है ना तू बोल ले, मैं चुप कर जाती हूँ। अब ठीक है बुआ जी मैं कर दूंगी। हाँ और जाके ना वो फिर उसके बाद खाना बना के वीर जी, उसके इसके वीर जी को ना खाना दे आई हो। जी ठीक है, बेचारा खेत में भी तो धूप में। जी है छेती कर ले। जी आपको शायद मैंने बोला तेरे को, मैंने वो नहीं बोला सॉसेस सॉस फॉस जो भी था वो सारा लगा दे इसमें।
जी गुग्गी तो क्या खाएगी? मैं मुझे भी सॉसेज चाहिए। कौन सी वाली? मेयोनीज और रेड चिली सॉस। मेयोनीज तो लगा दो। लगा दी मेयोनीज भी, ठीक है, चीज़ भी लगा दी और चिली फ्लेक्स भी, ठीक है। और ये ना थोड़ा सा सॉल्टी और वो ब्लैक पेपर डाल दो, ठीक है। हाँ कर दिया। अच्छा ठीक है, हम खा लेते हैं फिर। भाभी आप भी खा लेना। वाओ भाभी सच में ना बहुत टेस्टी है। हाँ रज्जी टेस्टी है। ठीक ठाक बना, इतना भी अच्छा नहीं बना, तारीफ करी जा रही उसकी है। पर मम्मा तू बोल ले, मैं नहीं नहीं मैं चुप्पी कर जाती, तू बोल ले बोल ले। हाँ तो भाभी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, आप जल्दी से आप भी बना के खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है, कुछ खाती दाती तो है नहीं है, हड्डी बन के खड़ी है, है? ना तू हंस ले मैं चुप कर जाती हूँ। मम्मी यार एक ही डायलॉग बार बार मत बोला। ठीक है आप बोलो। बुआ जी आप जाइए, मैं बर्तन साफ कर दूंगी। चला बैठ, मुझे तुझसे ना वो क्या, हाँ परसों शहर से करवा चौथ है ना, तो उसके लिए सामान वगैरह।